नमस्कार वीके न्यूज की सबसे खास सबसे सटीक और महत्वपूर्ण पेशकश देश प्रदेश दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरोना संक्रमण की गति तेज है अब इसकी चपेट में बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी आ गए हैं। वही कार्डिलिया क्रूज एक बार फिर से सुर्खियों में है क्रूज के चालक दल के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब इस पर सवार सभी 2000 यात्री और 16 क्रू का में 12 की कार शामिल करने के बाद फकीर होने का दावा नहीं कर सकते तो प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अधिकारों में कटौती करने के भाजपा के आरोपों पर फिर सफाई दी है उधर मंत्री मलिक ने दावा किया है कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद कुछ भाजपा कुछ बड़े नेता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को मुंबई में बनाए रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हो गया है जॉन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले मैं एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव था अब प्रिया और मैं संक्रमित हो गया है हम दोनों घर पर ही क्वारंटाइन हैं इससे पहले हाल ही में एक्टर अर्जुन कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे यह दूसरी बार है जब अर्जुन कोरोना पॉजिटिव हुए है वही उनकी बहन अंशुला कपूर भी संक्रमित हो गई है इसके अलावा अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करण बुलानी भी कोविड पॉजिटिव है अर्जुन कपूर की चाची महिप कपूर और बहन शनाया कपूर भी पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हुई थी शनाया कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं कोविड 19 पॉजिटिव पाई गई हूँ मुझमें हल्के लक्षण हैं पर मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है इसके अलावा एक्ट्रेस नोरा फतेही की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई सोहेल खान की वाइफ सीमा कपूर और बेटे योहान खान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौरान लगाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है इसके तहत बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर जाने और दो की दूरी का अनिवार्य है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद विवादों में फंसा कॉर्डिलिया क्रूज एक बार फिर सुर्खियों में है इस बार वजह कोरोना संक्रमण है क्रूज के चालक दल के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब इस पर सवार सभी 2000 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जा रहा है ये सभी शिप पर ही फंसे हुए है कॉर्डेलिया क्रूज मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था अब यह गोवा के मोरमुगाव पोर्ट क्रूज टर्मिनल के पास है अब वहाँ की सरकार ने जहाज को डॉक करने की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया है सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर पार्टीज के दौरान ज्यादातर लोगों ने कोविड के नियम तोड़े हैं। इसलिए संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है पॉजिटिव क्रू मेंबर्स को जहाज के अंदर ही आइसोलेट किया गया है अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले कोई भी जहाज से न उतरे हालांकि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद क्रूज पर जारी पार्टी का जो वीडियो सामने आया था उसमें स्पष्ट था कि ऐसे किसी नियम को यहाँ मौजूद लोगों ने फॉलो नहीं किया था क्रूज में तीन से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी है इसमें ओशन व्यू कैबिन है इनकी खिड़कियों से आप समुद्र की खूबसूरती निहार सकते हैं क्रूज में बार, ओपन सिनेमा, बच्चों के खेलने की जगह और जिम जैसी सुविधाएं मौजूद हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए 12 करोड़ रुपए की नई हाईक सिक्योरिटी मर्सिडीज कार के खरीदे जाने को लेकर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है राउत ने कहा

प्रधान सेवक को यह नहीं दोहराना चाहिए कि वह फकीर है उल्लेखनीय है कि हाल ही में विशेष सुरक्षा समूह ने प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज मैकेब एस सिक्स नामक कार को शामिल किया है मीडिया में इस श्रेणी की कार की कीमत करीब बारह करोड़ रुपए बताई जा रही है राउत ने यह भी उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रैलियों को संबोधित करते हैं जिनमें लाखों लोग जमा होते हैं लेकिन पाबंदी केवल आम लोगों के के लिए है प्रदेश उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए कुलाधिपति तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अधिकारों में कटौती करने के भाजपा के आरोपों पर सफाई दी है सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र में कुलपति का नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास कायम रहेगा केवल राज्यपाल सरकार की सिफारिश से कुलपति की नियुक्ति कर सकेंगे जबकि गुजरात में कुलपति नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के पास है लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने विधेयक में गुजरात की तरह प्रावधान नहीं किया है यदि महाराष्ट्र भाजपा को गुजरात की पद्धति स्वीकार है तो हम अगले सत्र में संशोधन विधेयक लाने के लिए तैयार है महाराष्ट्र भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए सामंत ने कहा औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में एक करोड़ रूपए की आर्थिक अनियमितता हुई है इस तरह के विश्वविद्यालय में हुई अनियमितता और कुलपतियों से जुड़े सवालों का जवाब विधानमंडल के अधिवेशन में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री को देना पड़ता है इसलिए संशोधन विधेयक में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री को विश्वविद्यालयों का प्रोफेसर कुलपति नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है इससे मंत्री को मामले की पूरी जानकारी मिल सके राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और रामकांबा प्रवक्ता नवाब मलिक ने दावा किया कि कार्यकाल खत्म होने के बावजूद कुछ भाजपा कुछ बड़े नेता नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को मुंबई में बनाए रखने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं एक संवाददाता सम्मेलन में मलिक ने दो ऑडियो क्लिप सुनवा कर दावा किया है कि यह एक पंच और एनसीबी के समीर वानखेड़े और किरण बाबू नाम के अधिकारियों से हुई बातचीत है जो पंच को पिछली तारीख में पंचनामे पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर कर रहे हैं मलिक ने यह दावा भी किया है कि एनसीबी ने ड्रग्स मामले में उनके दामाद समीर खान की जमानत रद्द करने के लिए बदले की भावना से कोर्ट में अर्जी दाखिल की है मलिक ने कहा कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर रेड के बाद केपी गोसावी और मनीष भानुशाली द्वारा 25 करोड़ रुपए की वसूली की कोशिश से जुड़ा सबूत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई मलिक ने फिर दावा किया कि लोगों पर फर्जी मामले बनाए जाते हैं और पंच से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं और फिर वसूली की जाती है वही भाजपा नेता मोहित कंबोज भारतीय ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मलिक अपने पद का दुरुपयोग कर भाजपा नेताओं और केंद्रीय एजेंसी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं आज बिहार की राजधानी पटना से दो बड़ी खबरें हैं एक तरफ वहां स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अर्थात एनएमसीएच में चौरासी डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कम मच गया है तो दूसरी तरफ स्थानीय जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बड़ी विमान दुर्घटना होने से बच गई विमान में 170 लोग सवार थे इसी बीच देश में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है 8 लाख से ज्यादा किशोरों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण भी कर लिया है वहीं मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जब उनसे मुलाकात हुई तो वह बहुत घमन में थे इसी बीच उत्तर प्रदेश में होने जाने वाले विधानसभा के चुनावी सबर में अब बसपा प्रमुख मायावती ताबड़तोब रैलिया करने उतर रही है देश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अर्थात एनएमसीएच में डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कम मच गया है एक से चौरानवे लोगों का सैंपल लिया गया था अब यहाँ इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना चेन बनने की संभावना है कई मेडिकल स्टाफ भी चपेट में आ सकते हैं क्योंकि जिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे ड्यूटी पर थे मेडिकल स्टाफ के साथ साथ मरीजों के भी संपर्क में थे बता दें कि देश में कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं रविवार 2 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में देश में कोरोना के एक दशमलव दो तीन लाख मामले दर्ज किए गए यह 12 हफ्ते में सबसे ज्यादा मामले थे इससे पहले हफ्ते में इकतालीस हजार एक सौ उनहत्तर मामले सामने आए थे यानी एक हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण की दर लगभग तीन गुना हो गई मामलों में बयासी हजार की बढ़ोतरी हुई इसी बीच 13 जनवरी को शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में कोरोना की एंट्री हो गई है बंगाल रणजी टीम के सात खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं अब बीसीआई घरेलू टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले आपात बैठक कर सकती है और ताजा स्थिति को देखते हुए रणजी ट्रॉफी का आयोजन आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है बिहार की राजधानी पटना में जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बड़ी विमान दुर्घटना होने से बच गई विमान को पार्किंग बे से रनवे तक ले जाने के दौरान ही पायलट को तकनीकी खराबी की जानकारी मिल गई अभी वह रनवे पर फर्राटा इस विमान को फिर से पार्किंग बे में लाकर खड़ा कर दिया गया हालांकि इस विमान की खराबी को ठीक कर वापस बेंगलुरु के लिए भेजा गया विमानन कंपनी ने मामूली खराबी बताया जानकारी के अनुसार गोएर की विमान संख्या जी एट पटना एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर उड़ान भरने के लिए पार्किंग बे से रनवे पर पहुंची थी इसी बीच पायलट को इस विमान में आई खराबी की जानकारी लग गई पायलट ने तत्काल कंट्रोल को इसकी सूचना दी और अनुमति मिलते ही इसे वापस बे में लाकर खड़ा कर दिया इस दौरान यात्री शोर मचाने लगे खराब व्यवस्था को लेकर विमानन कंपनी को कटघरे में खड़ा किया उधर एयरपोर्ट पर तैनात इंजीनियरों की टीम ने इस खराबी को तत्काल ठीक कर दिया इसे ठीक करने में पैतालीस मिनट का समय लग गया बाद में एक बजकर बीस मिनट पर इस विमान को बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया इस विमान में 170 यात्री सवार थे यात्रियों की सकुशल रवानगी के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली देश में 15 से 18 साल के किशोरों का टीकाकरण शुरू हो गया है 8 लाख से ज्यादा किशोरों ने कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है वर्ष दो और इससे पहले जन्म लेने वाले किशोर ही टीकाकरण के लिए पात्र है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि किशोरों को केवल कोवैक्सिन ही दी जाएगी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के अतिरिक्त डोज भेजे जाएंगे 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी से 15 से 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने की घोषणा की थी स्वास्थ्य कर्मियों फ्रंटलाइन कर्मियों और जोखिम वाले वरिष्ठ नागरिकों को दस जनवरी से वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जाएगा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने इस अभियान को मंजूरी दी है बीते कुछ दिनों से देश में कोविड 19 के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है कोरोना महामारी के बीच इस साल शुरू हुए स्कूलों में बच्चों और किशोरों के संक्रमित होने की खबरें सामने आई थी कई आवासीय स्कूल और कॉलेज हॉस्टल में कोरोना मरीज मिले थे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फिलहाल बूस्टर डोज को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है कोरबीवेक्स और कोवोवैक्स को मंजूरी मिली है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जा सकता है हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसान आंदोलन के दौरान वह पीएम मोदी से मिले थे जब मुलाकात हुई तो वह बहुत घमंड में थे। मैंने उन्हें कहा कि पाँचो किसान मर गए तो उन्होंने सवाल पूछा कि मेरे लिए मरे हैं? जब वह अमित शाह से मिले तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की लोगों ने अक्ल मार रखी है मलिक हरियाणा के दादरी स्थित स्वामी दयाल धाम में माथा टेकने पहुंचे थे जहां उन्हें फोगाट खाप ने सम्मानित भी किया गवर्नर मलिक पहले भी भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार पर हमला करते रहे हैं सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं बल्कि स्थगित हुआ है किसानों के साथ कोई नाइंसाफी या अत्याचार हुआ तो यह दोबारा शुरू हो सकता है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी चाहिए सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों पर दर्ज केस तुरंत वापस लेना चाहिए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो वह गवर्नर का पद छोड़ने के लिए भी तैयार है यह भी कहा कि जब सरकार किसानों से संबंधित कानून बनाती है तो पहले किसानों की रैली जानी चाहिए बनाया जाए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा से पहले सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं जबकि चार बार यूपी की मुख्यमंत्री रही बसपा प्रमुख मायावती चुनावी समर में नहीं उतर पाई है अब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया की आचार संहिता लागू होने के तुरंत बाद के दौरे पूरे प्रदेश में होने वाले हैं वो हर जिले में जाएंगी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग बीजेपी की तरह नहीं है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर एक पत्थर लगाए और वोट मांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के सवाल पर सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि हम भी यही चाहते हैं कि सीएम चुनाव लड़े और खुद देखें कि जनता के बीच में उनके लेकर क्या फीडबैक है सतीश चंद्र मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि बीएसपी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना प्रत्यक्षी उतारेगी और सीएम को हराएगी भी पिछले दिनों यूपी के ब्राह्मण नेताओं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर भी बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि इनके नेता खुद यह जानते हैं कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण इनसे नाराज है और यूपी के नेता ये बात समझ चुके हैं इसलिए पहले ही जाकर अपनी तरफ से हाथ खड़े कर रहे हैं ताकि बाद में इनसे कोई कुछ ना कहे बीएसपी ने ही ब्राह्मणों को पूरा सम्मान दिया है इसलिए 2007 की तरह 2022 के चुनाव में ब्राह्मण एकजुट होकर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान के यही इमरान खान का नया पाकिस्तान है वही बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू निशाने पर है जी हाँ बांग्लादेश पुलिस ने तीन मंदिरों में बेअदबी के आरोपों में शिकायतें दर्ज की है उधर अफीम की खेती पर रोक लगाने के बाद तालिबान ने देश में नशे पर एक और चोट की है अफगान इंटेलिजेंस एजेंट्स ने राजधानी काबुल में करीब 3000 लीटर शराब नाले में फेंक दी तो दक्षिण दक्षिणপন্থियों की आलोचना के बाद फ्रांस सरकार ने पेरिस स्थित आर्डी ट्राम पर लगा यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया इसे बीच जुडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सेना के साथ एक विवादास्पद समझौता के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान की कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है रेहम खान ने खुद ट्वीट करके इस हमले की जानकारी दी है उन्होंने लिखा है कि मैं अपने भतीजे की शादी से लौट रही थी जब मेरी कार पर कुछ लोगों ने फायरिंग की और दो मोटार बाइक सवार लोगों बंदूक की नोक पर मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की मैंने अपनी गाड़ी बदली मेरा सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर कार के भीतर ही मौजूद थे रेहम ने इमरान सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या यही है इमरान खान का नया पाकिस्तान कायरो, और लालची के देश में आपका स्वागत है दूसरे ट्वीट में रेहम ने लिखा कि मैं एक आम पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तान में ही जीना और मरना चाहती हूँ चाहे मुझ पर कायराना हमला किया जाए या बीच सड़क पर कानून व्यवस्था की धज्जिया उड़ाई जाए इस तथाकथित सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए मैं अपने देश के लिए गोली खाने को भी तैयार हूँ यह पहली बार नहीं है जब रेहम खान ने खुलकर इमरान इमरान खान खान की आलोच की आलोचना है पहले भी वह कई मुद्दों पर अपने खान को घेर चुकी है इससे पहले पाकिस्तान में बढ़ते रेप के मामलों में महिलाओं के कपड़ों को लेकर इमरान खान के विवादित बयान को रेहम खान ने ढोंगी करार दिया था रेहम खान ने इमरान खान को रेप पर हमेशा माफी मांगने वाला करार दिया और मांग की कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांगे बांग्लादेश में एक बार फिर से बांग्लादेश पुलिस ने तीन मंदिरों में बेअदबी के आरोपों में शिकायतें दर्ज की है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने लाल मोनिरट जिले में कथित बेअदबी की घटनाओं में लिप अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है इस जिले की सीमा भारत से लगती है इसके बाद प्रदर्शन शुरू हुए हाटीबंद थाने में चार शिकायतें दर्ज कराई गई इलाके के मुस्लिम निवासियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि यह उन तत्वों ने किया है जो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच की सद्भावना को बाधित करना चाहते हैं दूसरी तरफ घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय हिंदू समुदाय के सदस्यों ने गांव के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया पूजा उद्यापन परिषद के प्रमुख दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया जिन्होंने मौके का दौरा किया पुलिस ने आश्वस्त किया है की कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा उन्होंने कहा कि घटना छब्बीस दिसंबर को हुए स्थानीय संघ परिषद चुनाव से संबंधित हो सकती है हाटीबंद थाना प्रभारी उल आलम ने कहा कि घटना की जांच जारी है। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। अफीम की खेती पर रोक लगाने के बाद तालिबान ने देश में नशे पर एक और चोट की है अफगान इंटेलिजेंस एजेंट्स ने राजधानी काबुल में करीब 3000 लीटर शराब नाले में फेंक दी अफगानिस्तान में शराब की बिक्री पर नकेल कसने की कवायद शुरू करने के बाद देश की खुफिया एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस की ओर से जारी किए गए वीडियो में उसके एजेंटों को शराब से भरे पीपों को नाले में उड़ेलते देखा जा सकता है अफगान एजेंटों ने एक छापेमारी में यह शराब बरामद की थी ट्विटर पर डीजीआई की ओर से पोस्ट किए वीडियो में खुफिया अधिकारी को कहते सुना जा सकता है कि मुस्लिमों को शराब बनाने और इसे बेचने से सख्ती से बचना होगा हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि छापेमारी कब हुई और शराब को कब नाले में फेंका गया लेकिन एजेंसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस अभियान के तहत तीन डीलरों को गिरफ्तार किया गया है पश्चिमी देशों की समर्थित पूर्ववर्ती सरकार ने भी अफगानिस्तान में शराब बेचने और इसके सेवन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था लेकिन इस्लाम के कट्टर ब्रांड के तौर पर पहचाने जाने वाला तालिबान इसको लेकर और सख्त है बीते साल 15 अगस्त को जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से ही ड्रग एडिक्ट्स पर छापेमारी में इजाफा हो गया है दक्षिण पंथियों की आलोचना के बाद फ्रांस सरकार ने पेरिस स्थित आर्क दि ट्राय पर लगा हुआ यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया फ्रांस छह महीने के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बना है यूरोपीय संघ की अध्यक्षता शुरू करने के मौके को मानने के लिए आर्क आर्दे ट्रायम्फ पर लगाया गया यूरोपीय संघ का झंडा उतार लिया गया देश के दक्षिण पंथियों ने इस झंडे को फहराने पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद सरकार ने अस्थायी ध्वज उतारने का फैसला किया पेरिस स्थित आर्दे ट्रायम्फ फ्रांस का एक ऐतिहासिक स्मारक है जहाँ यह ध्वज अस्थायी तौर पर लगाया गया था लेकिन देश के दक्षिण पंथियों ने ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति मांकरों की आलोचना करते हुए कहा कि वह फ्रांसीसी पहचान को नष्ट कर रहे हैं फ्रांस में जल्द ही राष्ट्रपति चुनाव होने हैं जिनमें मार्कर दोबारा किस्मत आजमा सकते हैं उनके सामने दक्षिणपंथी नेता दक्षिण पिकरेज रिपब्लिकन उम्मीदवार है बता दी कि पिकरेज ने माकरो से ऐतिहासिक युद्ध स्मारक पर फ्रांसीसी ध्वज वापस लगाने की मांग की थी उन्होंने कहा था कि जिन सैनिकों ने इसके लिए खून बहाया है उनकी खातिर हमें ऐसा करना चाहिए दूसरी तरफ फ्रांस के यूरोपीय मामलों के मंत्री क्लेमा बुने ने कहा कि ध्वज को तयशुदा योजना के तहत ही उतारा गया है सरकार पीछे नहीं हटी है सूडान के 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 प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हम्दोक ने सेना के साथ एक विवादास्पद समझौता बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है सूडान की सेना ने बीते साल अक्टूबर में सत्ता पर कब्जा करने के बाद हमदोक को नजरबंद कर दिया था लेकिन इस तख्ता पालट के बाद प्रधानमंत्री हमदोक और सेना के बीच सत्ता की साझेदारी को लेकर समझौता हुआ जिसके बाद उन्हें बहाल कर दिया गया है अब इस समझौते और सेना के दखल को लेकर आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी सेना और राजनेता के बीच हुए इस समझौते को खारिज करते हुए देश में पूरी तरह नागरिक शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं अब्दुल्ला हमदोक के इस्तीफा देने के दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुए जिसमें कम से कम दो लोग मारे गए एक टेलीविजन संबोधन में हमदोक ने कहा कि सूडान एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर था जो जिससे इसके पूरे अस्तित्व को खतरा था मैंने देश को बर्बादी की ओर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की सहमति तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी किया गया है मैंने किया लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हो सका साथ ही कहा कि मैंने जिम्मेदारी सौंपने और प्रधानमंत्री के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा करने का फैसला किया है और किसी अन्य पुरुष या महिला को ये देश चलाने का मौका दे रहा हूँ सत्ता के इस हस्तांतरण में मेरा सहयोग दे तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके बी न्यूज़ नमस्कार